हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बाय अभिषेक, और मैं हूं आपका इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट। हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल बटन। वैकेंसी से जुड़ी PDF देते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अभिषेक पर। अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट इन राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर MP। वेरियस पोस्ट हैं, चलिए चलते हैं और देख लेते हैं हम स्टाफ नर्स के लिए। पोस्ट कोड B1, नेम ऑफ द पोस्ट नर्स A, नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहने वाली है फॉर SC कैटेगरी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं हम लोग। GNM और BSc कैंडिडेट आप दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। नर्सिंग ए सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हॉस्पिटल और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव फ्रॉम आर्म फोर्सेस का। BSc डिग्री इन नर्सिंग मे बी कंसिडर्ड फॉर अवार्डिंग 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो उसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्री इलिमिनरी टेस्ट, सेकेंड एडवांस टेस्ट एंड थर्ड ऑन स्किल टेस्ट। 3 मार्क्स दिए जाएंगे आपको करेक्ट आंसर के लिए, और 1 मार्क जो डिडक्ट किया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एज लिमिट देख लेते हैं हम लोग। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे स्केल आपका जो रहेगा वो है 44,900, लेवल 7 का रहने वाला है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ देख लेते हैं हम लोग। प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर टू पेशेंट, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ओरल और इंजेक्टेबल मेडिसिंस की। आपको ऑब्जर्विंग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल साइंस, TPR, ब्लड प्रेशर, ATC इनकी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको ये सब आना चाहिए। आपको असिस्ट कराना होगा डॉक्टर को OPD और प्रोसीजर्स में। आपको प्रोसेजर्स आने चाहिए लाइक ड्रेसिंग, कैथराइजेशन, गैस्ट्रिक लेवलेज ETC। मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ आइटम्स यूज्ड विद कंप्यूटर डाटा एंट्री। देख लेते हैं हम हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एंटरटेन की जाएंगी, और किसी मोड से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 17/5/2022। कैंडिडेट जो है विजिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए इनकी वेबसाइट पर, जो है www.rrcat.gov.in/hrd/openings/current-openings.html। अप्लाई करने से पहले आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।